तो आज के व्लॉग को कहानी की तरह पेश करते हैं। तो पेश खिदमत है। तो वही खवास घूमने के बाद हम लोग आए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमारे पास सिर्फ 12 घंटे 12 आवर्स तो जहाँ जहाँ हम घूम सकते थे हम गए। तो जो पहली जगह जहाँ हम इस्लामाबाद में घूमने गए वो है इस्लामाबाद का जू। तो वहाँ गया आप सीन चेक करें। देख लियो कि जू में मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि बस जानवरों की वीडियोस बनाई हैं। क्योंकि एक तो वहाँ पे शेर वेर भी जो थे वो अपने अंदर पिंजरे में गए हुए थे गर्मी की बारिश, तो इसलिए जितने जानवर मुझे नज़र आए उसकी वीडियो बना ली। खैर तो फिर हम लोग गए इस्लामाबाद की पहाड़ी वाली साइड पर, सही है ना, उस वहाँ पर हम गए। पहली जगह थी दामन कोह। दामन कोह की दो खसूसियत हैं। पहली तो है कि ज़रा सा आप दामन कोह के अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक दरख दरख वाला एरिया मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे बंदर। तो आप बंदर को खाना वाना खिला सकते हैं अपने हाथों से, खुले रहते हैं बंदर। बताने से अच्छा आप खुद देख लें। दामन कोह से निकलने के बाद हम लोग गए मनाल रेस्टोरेंट, जो कि इस्लामाबाद की सबसे मशहूर जगह है। दामन कोह से मनाल की जो ड्राइव है वो है 18 किलोमीटर तकरीबन। मनाल जो है सबसे हिल के टॉप पे बना हुआ है बिल्कुल। मनाल जो है बेसिकली 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट है। ज़्यादा लजीज नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके सिनेमैटिक्स चेक करें। पैसे हैं वो इस चीज़ के। एक आखिर बता दूं, अगर आप लोगों से किसी को जाना है मनाल तो जो वहाँ के बेस्ट टाइमिंग्स हैं वो है असर से मगरिब के दौरान, क्योंकि वहाँ का जो व्यू होता है बेहतरीन होता है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, शाम में जब इस्लामाबाद की लाइटें जब चल जाती हैं पूरे इस्लामाबाद की, तो भी एक बेहतरीन नज़ारा होता है जैसे अभी आपने देखा है सिनेमैटिक्स में वहाँ के। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये वीडियो जो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है तो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ।